टिकमगढ़ अखिल भारतीय यादव महासभा ने मानस मंच पर एकत्रित होकर छत्रपुर में कर्णी सेना के असामाजिक तत्वों द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा की, साथ ही एसपी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। उसके बाद पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर रासुका की मांग की गई। कार्यक्रम में आए यादव समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए सभी से कहा कि हमें अनुशासन में रहना है और न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करना है। साथ ही अनुशासन में रहकर सभी जिले में ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से आरोपियों पर शीघ्र ही रासुका की कार्रवाई की मांग की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यादव महासभा के जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने भी सभी समाज के लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग हमेशा दूसरों का सम्मान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी समाज एवं हमारे परिवार पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। इसी को लेकर सभी सजाती बंधुओं को एकजुट होकर कार्रवाई की मांग की गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। जो एक सभा को हम संबोधित भी किया, उसके बाद में एक ज्ञापन भी दिया है। पिछले कुछ समय से बुंदेलखंड में, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदीश यादव जी ने बताया, जो सामंत शाही की प्रवृत्ति के लोग हैं वो बुंदेलखंड में गरीब दलित शोषित पिछड़ा वर्ग यादवों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने कहा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार छतरपुर में, पन्ना में, हर जगह ज्ञापन दिया और हमें भी निर्देशित किया गया। तो 24 तारीख से हमने टीकमगढ़ के लगभग हर थाने में ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने का मतलब यह है कि प्रशासन जाग जाए, किस तरह की घटनाएं करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आज यहाँ 28 तारीख को एकत्र होने के कारण है, हमें पहले बताया गया कि FIR तो हुई, लेकिन इस जैसी घटना जिसने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ रासुका अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर किसके लिए रासुका बनी है, जिसने पूरे मध्य प्रदेश की जनमानस की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, हम लोगों में वैमनस्यता का राग भर दिया है, हम एक दूसरे से बैठ नहीं पाते हैं। कुछ उपद्रवी लोगों ने, अगर आप हमें थोड़ी कह रहे हैं कि पूरे समाज पर, पूरे जिला पर रासुका लगा, लेकिन जिसने एकत्र किया, जिसने माँ की गाली दी है, उस पर शीघ्र रासुका की कार्रवाई करें तथा ये आंदोलन लगातार और उर्दू रूप लेता है। आपका कहना ये है कि जिन लोगों ने ये किया उनके ऊपर बिल्कुल लगाई जाए, उसी के लिए आज टीकमगढ़ में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और यहाँ आने वाले समय में आपकी प्रशासन बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा? आंदोलन बिल्कुल बड़ा आंदोलन होगा, मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाएगा और टीकमगढ़ में अभी ये तो ट्रेलर रहेगा फिल्म ठीक, और हम तो प्रशासन मामला है किसी चीज को ज्ञापन है। क्या है कि उस समय से बुंदेलखंड में खासतौर से पिछड़े वर्ग के लोगों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर लगातार सामंतवादी सोच के लोग हमले कर रहे हैं, उसको लेकर हम यादव महासभा के माध्यम से प्रशासन से सब जगह जाके हमने न्याय की गुहार लगाई, चाहे वो पन्ना हो, चाहे वो दमोह हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो छतरपुर, इन्हीं सब सिलसिलों को जब हमने उठाया तो एक संगठन है कर्णी सेना नाम से, उन्होंने छतरपुर में एक बवंडर रैली का नाम देखा जिसको बाकायदे लिखा हुआ था उनके बैनर पर, वो आयोज की मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो बवंडर रैली का मतलब क्या था। ना तो हमने उनको गाली दी, ना हमने उनको कोई मारा, ना हम उनके घर में घुसे, मैं ये नहीं समझ पाया कि वो बवंडर रैली का मतलब क्या था। और जब उन्होंने हमारी माँ को गाली दी तो ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। हम लोगों ने इसका संज्ञान लेने के लिए छतरपुर में प्रेस वार्ता की, क्योंकि प्रशासन के पास तो हम बराबर जा रहे थे लेकिन लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही थी, और हमने आप लोगों के माध्यम से ये कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जिले के प्रशासन से, कि वक्त रहते अगर आप लोग कार्रवाई कर देते, अगर हमारे एक इंजीनियर यादव पर ड्यूटी पर मारपीट की गई, अगर केस की लीपापोती नहीं की गई होती, छोटी सी धाराएं लगाकर उन लोगों को जमानत ना मिली होती तो उनका साहस नहीं बढ़ता। इसी प्रकार से बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र में एक दुकान, राशन की दुकान थी, जो हमारा जाति बंधु राशन लेने गया था, वो राशन 2 महीने का उससे अंगूठा लगवा रहे थे और 1 महीने का दे रहे थे, उन्हें विरोध किया तो उस पर भी बदमाशों ने, सामंती सोच के लोगों ने उसको रास्ते में बहुत बुरी तरह से मारा। इसी घटना को लेकर हम छतरपुर प्रशासन के पास गए थे लेकिन हमें न्याय तो नहीं मिला। उसके बाद हमें माँ की गाली मिलना शुरू हो गई, तो हमने पूरे प्रदेश को आह्वान किया कि मेरे दलित भाइयों, मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे सुजाति बंधुओं,
आओ तो न्याय लेने के लिए हम मध्य प्रदेश के हर थाने में जाएं, हर एसपी ऑफिस में जाएं, हर जगह अपनी गुहार लगाएं। हमने आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से कहा है, छतरपुर से कहा, पन्ना से कहा, सागर से कहा, आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, अगर आपके रहते हुए हम लोगों के साथ ये अत्याचार हो रहा है तो फिर आपके रहने का कोई मतलब नहीं है। या तो संभालिए आपके गुंडों को, आपके सामंतियों को, अगर आपसे नहीं संभलते हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, फिर जो आएगा हम उससे निपट लेंगे, क्योंकि आप पिछड़े वर्ग का चेहरा है। हम अपनी सीमाओं में रहते हैं, हम आपसे सीधा संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं और हम संघर्ष चाहते भी नहीं हैं, लेकिन माँ की इज्जत के लिए हम कुछ भी करेंगे। माँ की इज्जत के लिए हमें जान देने पड़ी, जान देंगे। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से मीडिया ने हमारा साथ दिया है पूरे घटनाक्रमों में, इसी प्रकार से आपका साथ बना रहे। अगर आपका साथ ना होता तो शायद ये बात का संज्ञान भी ना। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल ही आवेदन पर कार्रवाई कर संबोधित वरिष्ठ अधिकारियों से संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। टिकमगढ़ से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।